हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम फिर से आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हमारे पास है ये यामा का गिटार और एक ये यामा का गिटार। तो दोनों ही गिटार जो है यामा के हैं। तो सबसे पहले मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये है यामा का F280FX और ये है यामा का F280। अब काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई इसमें कुछ वो है नहीं, बस सेमी एकोस्टिक है और एक में नहीं है, मतलब फुल्ली एकोस्टिक है। बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उनके लिए तो बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस हैं इन दोनों गिटार्स के पूरे सेम है। अभी हम लोग बात करेंगे इन दोनों गिटार्स के स्पेसिफिकेशन। देखो, सेम है पूरा। सबसे पहले इन दोनों का जो साइज़ है वो 40.5 इंचेस है, आपको मिल जाता है। एंड इसमें हमें जो फ्रेडबोर्ड एंड ब्रिज है वो हमें मिलता है रोज वुड का। एंड इसी के साथ बैक, फिर साइड वाला, फिर नेक, ये हमें मिलता है टोन वुड दोनों गिटार्स में। और इसका जो ये टॉप है ये हमें मिलता है स्प्रूस टॉप। इसी के साथ हमें पिक गार्ड देखने को मिल जाता है दोनों ही गिटार में। एंड इन दोनों गिटार्स में हमें जो ब्रिज पेंस मिलता है वो ब्लैक ABS के है। एंड नट एंड सेडल जो है वो हमें मिलता है यूरिया का। इसमें हमें जो फ्रेट्स मिलता है वो 20 फ्रेट्स है। एंड देन इन दोनों गिटार्स के जो नट वेट है वो हमारा 43 mm है। देन स्ट्रिंग स्पेसिंग जो है वो हमारा 10 mm है। टॉप इसका जो है वो ग्लॉसी है। साइड एंड इसका नेक वगैरह पूरा हमें मिलता है क्या मैटी में। ट्यूनिंग किस के बारे में बात करें तो इसमें मिलता है क्रोम कवर ट्यूनिंग किस, जो कि काफ़ी सही होता है। बट आजकल डाईकास्ट ट्यूनिंग किस ज़्यादा चल रहा है। बट इसमें हमें कोई कटवे नहीं मिलता। कटवे के लिए आप ले सकते हो यामा का FS80C, वो हमें कटवे मिलता है। एंड उसमें भी हमें सेमी एकोस्टिक का देखने को मिलता है। तो उन दोनों के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इन दोनों गिटार्स के भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दोनों ही गिटार्स में हमें मिलता है ट्रस रॉड, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जिससे कि आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से एक्शन को, मतलब स्ट्रिंग्स और फ्रेडबोर्ड के बीच में जो गैपिंग होता है। हमें इसमें जो स्ट्रिंग्स की जो गेज मिलता है वो 12 गेज का मिलता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बेसी साउंड मिलेगा। नाउ मेन डिफरेंस इज कि इसमें हमें मिलता है इक्वलाइजर विथ ट्यूनर। जैसे आप देख सकते हो, मैं तो इसको साइड में रख रहा हूँ F280 को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे हमें ट्यूनर देखने को मिल जाता है। देन दो नॉब्स है, एक टोन का है एक वॉल्यूम का है। देन ट्यूनर का एक बटन दे रखा है जिससे आप ऑन एंड ऑफ करोगे। ऑन करने के लिए आप जस्ट यू नीड टू होल्ड इट एंड ये ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए जस्ट एक बार क्लिक करना है। बैटरी का ये कंपार्टमेंट है, इसको ऐसे नीचे की तरफ करने से ये खुल जाता है। इसमें आप ऐसे बैटरीज डाल सकते हो AA वाली, फिर इसको लगा दो। और ये इक्वलाइजर तब काम करेगा जब इसमें आप बैटरी डालोगे। विदाउट बैटरी ये ना ट्यूनर काम करेगा ना आपका जैक इनपुट काम करेगा। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक ही में दोनों है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जिससे कि कोई दूसरा होल भी नहीं किया हुआ है। तो ये थे इन दोनों गिटार्स के स्पेसिफिकेशंस। अभी हम लोग सुनेंगे इन दोनों गिटार्स का साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं ऐसे करूँगा कि इसका हम लोग सुनेंगे एकोस्टिक और इसका हम लोग सुनेंगे ओनली सेमी एकोस्टिक। तो आई थिंक बराबर ही है क्योंकि दोनों ही गिटार सेम है। और वेट के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे वेट ज़्यादा लग रहा है, हल्का सा। तो आप चेक कर सकते हैं, अमेज़न पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो सुनते हैं।
First we'll check the volume. So this is pure acoustic. Now increasing the volume. So this is 50 now. Now 75. काफी loud हो जाएगा. Now full. And mixer से हमारा sound सारे 50 में है. So now let's do it in 50. पहले टोन को जीरो करते हैं. Now let's do it 50. Now full. So, अभी हम लोग नॉर्मल चेक करने के लिए वॉल्यूम एंड टोन को रखेंगे 50 एंड 50 पे. तो अभी आप लोगों ने इन दोनों गिटार्स के साउंड सुने और मुझे बताना कौन सा बढ़िया लगा. देखो मेरे हिसाब से तो दोनों ही गिटार्स के साउंड अच्छे हैं, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे इसमें. बट हाँ, इक्वलाइजर में हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि बजट इस बजट में मिलता है. प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. यामा F20 आपको करीबन मिलेगा 7200 या 300 में. एंड यामा का FX280 आपको मिलेगा 11200 या 300 में. तो इन दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो. तो साउंड के बारे में, इन दोनों ही गिटार्स में आपको बढ़िया टोन मिलता है. एक बेसिक टोन मिलता है, शार्पनेस मिलता है, हाइज भी सही मिलता है. और जब प्लेइंग के टाइम भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती या पेन वगैरह उतना होता नहीं है क्योंकि जो फ्रेडबोर्ड और स्ट्रिंग्स है उसके जो बीच में गैप्स, जो गैप होता है वो हमारा उतना नहीं होता, मतलब ठीक रहता है. अगर आप चाहे तो आप कर सकते हो एडजस्ट, बट रिक्वायर्ड नहीं है. आप जैसे आता है नॉर्मल आप वैसे यूज़ कर सकते हो. एंड इन दोनों गिटार्स में बाइंडिंग मिल जाता है हमें इस तरफ साइड में, तो काफ़ी बढ़िया लगता है. एंड साइड में भी, ठीक है, ये देखो बाइंडिंग, ठीक है, साइड में मिलता है इस तरफ. ये जो है ना, ये पूरा बाइंडिंग मिलता है इसमें. तो एक तो जो फ्रेट मार्कर्स है मिलता है देखने को, साइड में भी है, यहाँ पे भी है, बट थर्ड फ्रेट पे हमें डॉट देखने को नहीं मिलता इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता. ट्यूनिंग की इसमें अगर हमें डाइकस्ट मिलता तो काफ़ी बढ़िया होता, बट कोई नहीं, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है F20 वाला जो सीरीज़ है, ये मॉडल है, तो इसलिए इन्होंने शायद चेंज नहीं किया है. ट्रैप माउंट करने के लिए ना इधर कोई भी पिन नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा हेड की तरफ. नीचे की तरफ तो दिया हुआ है, बट अगर हमें मिलता इस तरफ तो काफ़ी सही है. या तो आप शॉप में जाकर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
ट्यूनर भी हमारा सही है कि इसमें ऑन हो जाता है कब, जब हमारा जैक कनेक्ट होता है। अभी अगर मैं इसका इक्वलाइजर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें हमें दो नॉब मिलता है, बेस एंड ट्रेबल मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया होता है। बट कोई नहीं, इसमें भी सही है, मतलब बेस से ही टोन मिल जाता है आपको एक, एंड टोन में हमें तो यार क्या बताए, मतलब ट्रेबल ही मिलता है एंड बेस भी मिल ही जाता है, उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल ये दोनों ही गिटार्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं रिकमेंड भी करता हूँ बिगनर्स को, यार ले लो, मतलब काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। बट अगर आपको कोई अलग टाइप्स के भी गिटार चाहिए तो मैंने एक बना रखा है, आई थिंक वो under 5,000 का बताया था, तो देखते किसी दिन बनाएंगे under 10,000 का, या सेमी एकॉस्टिक का बनाएंगे, तो देखना वो वीडियो में इन दोनों गिटार्स के रिव्यू। आई होप आप लोग को सही लगा होगा, तो बताना कमेंट में कैसा लगा, एंड ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगी, चैनल पे विज़िट करो, प्लेलिस्ट देखो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टा एंड फेसबुक पे, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में।